दोस्तों रिसेंटली हमारे BTS के मेंबर जंगकुक ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दी है ओडिसी चेक इन पे, जहां उन्होंने अपने सॉन्ग से रिलेटेड काफी सारे सवालों के जवाब दिए और इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को एंड तक जरूर ही देखें। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो की होस्ट जूलिया बताती है आज हमारे इस शो को BTS के मेंबर जंगकुक ने ज्वाइन करा है और वो जंगकुक से पूछती है कि वो कैसे हैं। तो जंगकुक कहते हैं मैं ठीक हूँ, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। तो जूलिया उन्हें 7 सॉन्ग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है सॉन्ग्स को इतना ज्यादा ग्रो होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है, सब इसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मुझे लगता है मैंने जितना सोचा था इस सॉन्ग ने उससे भी ज्यादा अचीव करा है। तो मैं आर्मीज का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ और उन सभी का जिन्होंने मेरे सॉन्ग को सुना और इसे एंजॉय करा है। इसके साथ ही जूलिया जंगकुक से पूछती है समर सॉन्ग बनाकर आपको कैसा लगा। तो जंगकुक कहते हैं मैंने इस ट्रैक को एज अ समर सॉन्ग रिलीज करा है जो कि इस सीजन के लिए बिल्कुल सही है और इसी कारण मैं एक ग्रेट अवार्ड को जीत पाया। उस टाइम मैं थोड़ा बिजी था तो मैं एक प्रॉपर स्पीच नहीं दे पाया, पर अवार्ड जीतकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके साथ ही जूलिया कहती है आपने VMAs अवार्ड देखा और अगर देखा तो कौन सी परफॉर्मेंस आपकी फेवरेट थी। तो जंगकुक कहते हैं एक्चुअली हाइब लेबल में मैं अभी सबसे सीनियर हूँ और मैंने TXT का परफॉर्मेंस देखा है बैक फॉर मोर और इसे मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। ये एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी, मैं उन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ। इसके साथ ही जूलिया जंगकुक से उनके सॉन्ग 3D के बारे में पूछती है। तो जंगकुक कहते हैं जैक हार्लो सॉन्ग को और भी ज्यादा बढ़िया बना देते हैं। इसकी टाइटल थोड़ी ओल्ड वाइब देती है पर ये एक सोफिस्टिकेटेड फील देता है। मुझे लगता है जिन लोगों को ओल्ड वाइब्स पसंद है इस सॉन्ग को सुनकर उनका दिल जरूर ही खुश हो जाएगा। इसके साथ ही जूलिया कहती है आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो तो आप खुद को ठीक रखने के लिए क्या करते हो बिजी दिनों में। तो जंगकुक कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, पर जब कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खुद को फोकस रखूँ और खुद को ठीक रखूँ। और ये पहली बार है जब मैं सोलो काम कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा खुद को टायर्ड ना करूँ। इसके साथ ही जूलिया कहती है आपने रिसेंटली स्मोक चैलेंज करा था, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, तो आपको कितने टेक्स लगे इस शूट को पूरा करने में। तो जंगकुक कहते हैं शायद आर्मीज को लगता होगा कि मैंने इसे एक ही बार में कर लिया होगा, पर टू बी ऑनेस्ट काफी सारी ट्राइज के बाद मैं इसे कर पाया। इस वीडियो को मैंने अपने रूम में शूट करा था, मैंने थोड़ा ड्रिंक करा और फिर मैं अपने होटल रूम में गया और इस वीडियो को शूट करा, काफी प्रैक्टिस के बाद मैं इसे कर पाया था। इसके साथ ही जूलिया कहती है नेक्स्ट ईयर के लिए आपके क्या गोल्स है। तो जंगकुक कहते हैं मेरे कोई स्पेशल गोल्स नहीं है, पर मैं जो भी करूं मैं बस उसे एंजॉय करना चाहता हूं, मैं बस जेन्युइन जंगकुक रहना चाहता हूं हमेशा, तो आप कह सकते हो कि यही मेरी गोल है। इसके साथ ही जूलिया जंगकुक से पूछती है कि आपकी फेवरेट लिरिक्स कौन सी है जो आपने लिखा है। तो जंगकुक कहते हैं कुछ सॉन्ग्स हैं जिसके लिरिक्स को मैंने लिखा है पर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ऐसा कह सकता हूं कि इस लिरिक्स को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही आगे तक जाना है। और बात अगर लिरिक्स लिखने की आती है तो ऑफ कोर्स हमारे लीडर RM ने मुझे मेरे काम को लेकर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, पर मुझे पता नहीं मुझे अभी और काम करना है, तो मुझे नहीं लगता अभी मैं अपनी कोई भी फेवरेट लिरिक्स चुन सकता हूँ। और अभी मैं लिरिक्स नहीं लिख रहा तो ये बहुत ही जल्दी होगा अगर मैं अपनी कोई फेवरेट लिरिक्स चूज कर लूँ, मुझे अभी और काम करना है। इसके साथ ही जूलिया जंगकुक से लास्ट सवाल पूछती है कि अब नेक्स्ट आपके लिए क्या है, 2023 के एंड में आप क्या करने वाले हो। तो जंगकुक थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं मेरी सोलो एल्बम आने वाली है और जंगकुक हंसने लगते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं अब इससे ज्यादा रिवील कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों जंगकुक यहाँ अपने सोलो एल्बम गोल्डन के बारे में बात कर रहे थे जो स्टार्टिंग नवंबर में आने वाली है। इसके साथ ही जूलिया जंगकुक को थैंक्स बोलती है उनके शो में आने के लिए और उनके सॉन्ग्स के लिए उन्हें गुड विशेस देती है और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में जो भी बातें हुई वो मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।